हेलो गाइस, कैसे हो? तो बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा था यार कि सप्लाई कंपनी से लोग इतना डरते क्यों हैं, और सप्लाई कंपनी और कंपनी के बीच में क्या डिफरेंट होता है। प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूं अपना 10-12 साल का यहां पे दुबई में जो मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूं, तो अपने आंखों से देखा हूं पूरा डे टू डे लाइफ वर्करों के साथ कि कंपनी में वर्कर को रहने में कितना फ़ायदा है, या सप्लाई कंपनी में क्यों फंसते, मतलब अच्छा क्यों नहीं लगता है, क्या कारण है, और सप्लाई कंपनी में आने के बाद लोग कैसे फंसते हैं, पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। और ज़्यादातर मैं कंपनी से रिलेटेड इसीलिए वीडियो बनाता हूं कि कोई गलत कंपनी में ना फंस जाए, क्योंकि हम लोग जैसा वर्कर लोग बहुत सारे ड्रीम लेकर आते हैं, पता चला कि पैसे इकट्ठा करके आए और ना घर के रहे ना घाट के, क्योंकि हम लोग कर्ज उधार करके आते हैं, फिर जब यहाँ पे आने के बाद फंस जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है यार। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं अपने वर्कर भाई के लिए खासतौर पर ये सब वीडियो बनाते रहता हूँ, क्योंकि बड़े लोगों के पास आप लोग नहीं देखेंगे कि कहीं पर एजेंट के थ्रू फंसते हुए। जो भी फंसते हैं हम लोग फंसते हैं, हम लोग जैसा वर्कर भाई लोग फंसते हैं। तो इसीलिए मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं दोस्तों कि आपको सप्लाई कंपनी और कंपनी में क्या डिफरेंट होता है, और कैसे पता कर सकते हो कि ये कंपनी सप्लाई है। सही है ना, एक सिर्फ नाम से पता कर सकते हो कि ये कंपनी सप्लाई है, ठीक है। तो चलिए शुरू करता हूं और बताता हूं कि सप्लाई कंपनी में क्या क्या बेनिफिट है, फिर बाद में सप्लाई कंपनी की बात करता हूं। पहले कंपनी मान लिए दोस्तों, कंपनी का क्या है, कंपनी मतलब एम्प्लॉयमेंट वीजा। अगर आपका निकल गया डायरेक्ट तो आपको कोई टेंशन नहीं है, वहीं पर इंडिया में ही एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, कितना सैलरी देगी कंपनी, कितना ट्रांसपोर्टिंग देगी और रूम देगी कि नहीं, खाना देगी कि नहीं, पूरा डिटेल वो लोग वहीं से आप आ जाएगा, ठीक है। वहाँ से जैसे ही आप एयरपोर्ट से उतरोगे तो आप डायरेक्ट उस कंपनी में जाओगे जिसका आपका वीज़ा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा निकला है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सारा जिम्मेवार वो है। सही है ना, कोई टेंशन नहीं है, आपको रूम वो देगा, खाने का वो देगा, पूरा सिस्टम, कंबल, तकिया, बिस्तर, पूरा चीज़ वो देगा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा वाले को कंपनी में अगर आप जाते हो तो। वो सब हो गया फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा क्या है, आपको सैलरी मंथली देगा कंपनी के पास, सैलरी रहे कि ना, जिस पे आप एग्रीमेंट किए हो कंपनी के पास काम रहे या ना रहे, आपको हर महीने अकाउंट में डालना ही पड़ेगा। यहाँ का मतलब गवर्नमेंट का रूल है, नहीं डालेगा तो गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर एक्शन ले सकता है। सही है, मंथली सैलरी हो गया। दूसरा क्या है, आपको टिकट देगा, अगर 2 साल में आप छुट्टी जाते हो तो दोनों साइड का टिकट देगा, देना पड़ेगा कंपनी को, ये दुबई लेबर लॉ के हिसाब से है दोस्तों। दूसरा और क्या है कि 2 महीने का लीव सैलरी मिलेगा, अगर 2 साल पे आप जाते हो तो 2 महीने का एक्स्ट्रा सैलरी जो आपकी बेसिक है वो मिलेगा, ठीक है, ये हो गया। दूसरा, अगर आप 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल, 20 साल काम किए हो तो आपको ग्रेजुएटी जो बोलते हैं इंडिया में PF बोलते हैं, वो मिलता है कंपनी के अंदर। सही है ना, ये सब मिलेगा। आप मान लें 10 साल काम किए, सारा पैसा आप अपने फैमिली को दे दिए, आपके पास कुछ भी पैसा नहीं है, तो जाने के टाइम आपको इतना पैसा मिल जाएगा कि आप थोड़ा अच्छे से अपना मतलब कुछ छोटे मोटे बिजनेस या फिर दूसरे कंट्री बाई लक अगर जाना हो गया तो पैसे भरकर आप जा सकते हो। कुछ इस प्रकार का सिस्टम है कंपनी का दोस्तों। और कंपनी का टाइमिंग है, मतलब काम चले ना चले पैसा आपको कंपनी के ऊपर है काम खोजना, ठीक है, ये हो गया कंपनी का। जितना मुझे नॉलेज था दोस्तों, और जो मैं स्क्रिप्ट लिखकर कोई भी चीज़ नहीं बता रहा हूँ, जो मेरा माइंड में था वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस के ऊपर। और जो भी कंफ्यूजन आप कमेंट में लिखो, आपका भाई चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ आप कमेंट करोगे तो आपका भाई ज़रूर रिप्लाई करेगा। सही है ना। दूसरा सप्लाई कंपनी, तो सप्लाई कंपनी में दोस्तों सैलरी बिल्कुल फिक्स नहीं होता है, आपको घंटे का हिसाब मिलता है। मान लिया आप दिन भर में 2 घंटे काम किए तो 2 घंटे का पैसा मिलेगा, 4 घंटे किए तो 4 घंटे मिलेगा, 20 घंटे काम किए एक दिन में, एक एग्जांपल के बोल रहा हूँ तो 20 घंटे का पैसा मिलेगा। सही है, मतलब घंटे का हिसाब। जुमे छुट्टी है या संडे छुट्टी है तो उसके दिन एक काम छुट्टी में तो 1 रुपया आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उस दिन आपने काम नहीं किया है, ये नुकसान है सप्लाई कंपनी में, ठीक है। बशर्ते दूसरा क्या है कि आपको ना टिकट देगी, बहुत सारा सप्लाई कंपनी ऐसी ना टिकट देती है ना लिप सैलरी देती है, या 10 साल आप एक ही सप्लाई कंपनी में काम किए जाने के टाइम 1 रुपये नहीं देगी, तो ये नुकसान है सप्लाई कंपनी और कंपनी में दोस्तों। बाकी सप्लाई कंपनी में एक और प्रॉब्लम है कि अभी 2 दिन यहाँ, मान लीजिए 2 दिन ये साइड पर काम किए, 2 दिन के बाद दूसरे साइड पर भेज देगा, 2 दिन के मतलब जहाँ जहाँ, और काम आप जो भी ट्रेड हो, मान लीजिए आप वेल्डर हो तो कभी ऐसा वक्त आता है कि आपको झाड़ू मारने के लिए भेज देगा, आप बोलोगे नहीं मैं तो वेल्डर हूँ मैं वेल्डिंग करूँगा, तो वो लोग क्या कहेगा, ठीक है रूम में बैठो, क्योंकि वो लोग को तो पैसा देना नहीं है। इसलिए कुछ इस तरह का नुकसान ज़्यादा है दोस्तों सप्लाई कंपनी और कंपनी के बीच में। और जो भी छूट गया दोस्तों आप लोग कमेंट में लिखो कोड के साथ, आपका भाई ज़रूर रिप्लाई करेगा। मतलब इंडिया वाला सिस्टम, इंडिया में कैसे है, आप अगर मान लीजिए प्राइवेट कंपनी में काम करते हो तो जितना घंटे का मजदूर कैसे है, जितना घंटे काम करता है उतना घंटे का हिसाब किताब, घंटे का नहीं होता मतलब डेली का वहाँ हिसाब होता है, मगर यहाँ पे घंटे का हिसाब होता है।
तो कुछ ये सप्लाई कंपनी का था दोस्तों, जो भी बेनिफिट है वो सप्लाई कंपनी नहीं मिलता है, और जो कंपनी में मैं पहले बताया वो बेनिफिट मिलता है। तो यही डिफरेंट है, क्योंकि और हम लोग बाहर में आते हैं और हम लोग यहाँ पे पैसे कमाने आते हैं, तो इसीलिए दोस्तों आप लोग सप्लाई कंपनी में बिल्कुल नहीं ना, जैसे मैं बोला कि नाम से पता कर सकते हो कि सप्लाई कंपनी, तो जिस कंपनी के नाम के आगे ये कान खोल के सुन लेना भाई लोग, और मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, यहाँ 80% ऐसा कंपनी है सप्लाई कंपनी जिस कंपनी के आगे मैन पावर शब्द का लिखा हुआ है, मान लिए मैन पावर दिस कंपनी, मैन पावर ये कंपनी, मैन मतलब आगे में या लास्ट में मैन पावर अगर उस कंपनी के नाम में ऐड है तो समझ जाना ये सप्लाई कंपनी है। क्योंकि सप्लाई का मतलब क्या है, मैन पावर को सप्लाई देना, मेरा कंपनी है, दूसरे मेरे को अगर आदमी चाहिए तो मैं मैन पावर कंपनी से 50 आदमी लेकर कोई भी अर्जेंट वाला प्रोजेक्ट वो खलास कर लूँ। तो कुछ इस प्रकार का था दोस्तों, और जो भी कन्फ्यूजन आप लिखो आपका भाई आप जरूर जवाब देगा। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, जब तक गुड बाय।